नमस्कार मित्रों, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में जो हाल में ही न्यूनतम मजदूरी के दरों में परिवर्तन किया गया है, और परिवर्तन के बाद जो अद्यतन मजदूरी की न्यूनतम मजदूरी की दर है विभिन्न नियोजनों के लिए, उसके संबंध में। इसके साथ ही इसमें हम दो तीन और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि न्यूनतम मजदूरी में अगर किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है तो वह उसके लिए कहाँ अपना क्लेम फाइल कर सकता है, कौन सा अपेलेट कोर्ट होता है। उसके अलावा बिहार सरकार ने पहली बार, संभवतः भारतवर्ष में यह पहला एक्सपेरिमेंट होगा कि न्यूनतम मजदूरी में अगर कोई किसी एक वर्ग में, कैटेगरी में काम बहुत दिनों तक करता है तो वह अगले कैटेगरी में, अगर वह अकुशल के रूप में कई दिनों तक काम करता है तो क्या वह अर्धकुशल हो सकता है, अगर वह अर्धकुशल के रूप में कई दिनों तक कार्य करता है तो क्या वह कुशल हो सकता है। इस संबंध में अपने नोटिफिकेशन में उसने स्पष्ट रूप से इसको, लिखित रूप से इसको क्लियर किया है कि कोई अकुशल व्यक्ति कितने दिनों तक काम करे तो अर्धकुशल हो सकता है, अर्धकुशल कितने दिनों तक काम करे तो कुशल हो सकता है, क्योंकि इसके संबंध में कई सारी भ्रांतियां और अवधारणाएं थी। और एक अकुशल व्यक्ति, एक अकुशल कामगार जीवन पर्यंत अकुशल ही रहता था, तो इसको भी इस बार पहली बार नोटिफिकेशन में डाला गया है, जो एक बहुत बड़ा बदलाव है और कई सारे श्रमिकों के लिए यह उपयोगी है। तो आइए देखते हैं कि अभी न्यूनतम मजदूरी की दर क्या है, साथ ही बिहार सरकार ने इसमें क्या नए बदलाव किए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो न्यूनतम मजदूरी की दरें हैं उसका जो है सो नियतन और पुनरीक्षण किया जाता है, और हमें पता है कि इसका जो पुनरीक्षण होना चाहिए वह प्रत्येक 5 वर्ष में कम से कम एक बार होना चाहिए। इसके लिए हमने मिनिमम वेज एक्ट का एक अलग से वीडियो LSW 6 करके बनाया है, उस वीडियो में जाकर के आप मिनिमम वेज का जो भी डिटेल है, किस सेक्शन में क्या प्रावधान है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्तमान में बिहार सरकार ने जो है एक्ट के हिसाब से ही दो भागों में, अनुसूची भाग 1 और अनुसूची भाग 2 के लिए कर्मचारियों का न्यूनतम मजदूरी का दर का निर्धारण करती है। अनुसूची भाग 1 में मुख्यतः सारे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट्स हैं, और अनुसूची भाग 2 में कृषि और संबंध, उससे संबद्ध कार्य आते हैं। बिहार सरकार में अनुसूची भाग 1 में कुल 87 नियोजन है, और भाग 2 में एक कृषि और उससे संबद्ध नियोजन है, यानी कुल 88 नियोजनों के लिए राज्य सरकार जो है वह न्यूनतम मजदूरी के दरों का निर्धारण करती है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हम जानते हैं कि जो भी नियत की गई मजदूरी है उसका दर का पुनरीक्षण 5 वर्षों के अंतराल पर करना आवश्यक है, और जब तक दर का पुनरीक्षण नहीं हो जाता तब तक पुराना दर लागू रहता है। बिहार सरकार ने अभी लेटेस्ट जो है वह दिसंबर 2016 में लेटेस्ट इसने जो है दर का पुनरीक्षण किया था, और अब उसी दर पर जो है नया VDA जो है, महंगाई भत्ता जो है वह जोड़ करके, और हर 6 महीना पर नया नोटिफिकेशन आता है कि अब बढ़ा हुआ दर क्या होगा। मैंने बताया आपको कि दिसंबर 2016 में इसमें न्यूनतम मजदूरी की दर में जो है पुनरीक्षण किया गया, और हर 6 महीना पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुए बढ़ोतरी के आधार पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लिया जाता है, जिसका जो सूचकांक है वह लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त किया जाता है, और उसके आधार पर कितना प्रतिशत उसमें बढ़ोतरी हुई महंगाई में, उस हिसाब से महंगाई भत्ता जो है वेरिएबल डेयरनेस अलाउंसेस VDA जोड़ा जाता है न्यूनतम मजदूरी। आप यह भी जानते हैं कि बिहार सरकार अधिसूचना विधि के द्वारा न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करती है, जिसमें कि सरकार अपने न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करके एक समय देती है, और निश्चित समय सीमा के भीतर प्राप्त सुझावों के आधार पर फाइनलाइज उसको करती है, जब भी यह नियतन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया होती है उस समय। लेकिन जो हर 6 महीने में हमारा न्यूनतम मजदूरी के दर में बढ़ोतरी होता है, यह नियतन या पुनरीक्षण नहीं है, यह केवल महंगाई भत्ता इसमें जोड़ा जाता है, जिसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो बढ़ी हुई महंगाई दर होती है उसको बेस मानते हुए, और पिछले महंगाई के आधार पर कितना महंगाई बढ़ा है थोक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, उसको जोड़ करके फिर उसका अगला रेट उतना जोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि अधिनियम की धारा 20 जो है वह दावों के संबंध में है, कि अगर किसी व्यक्ति को उसका नियत दर से जो मजदूरी होना चाहिए उससे कम मजदूरी मिलता है, या उसके जो ओवर टाइम थे उसने ज़्यादा समय कार्य किया उसके लिए यदि उसको मजदूरी नहीं मिलती है, तो वह कर्मचारी स्वयं या किसी लीगल व्यवसायी के थ्रू, एडवोकेट्स के थ्रू, या किसी श्रम संघ के प्रतिनिधि के थ्रू, या किसी अन्य तरीके से वह अपने बकाए रकम के लिए आवेदन दे सकता है, जो कि बकाए तिथि के 6 माह के अंदर देना होता है। इस दावों की सुनवाई के लिए सरकार ने समुचित प्राधिकारी नियुक्त किए हैं,
शेड्यूल वन के लिए अलग प्राधिकार है, शेड्यूल टू के लिए प्राधिकार अलग है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर न्यूनतम मजदूरी का दावा सही होता है, साबित होता है कि हाँ नियोजक को जितना मजदूरी देना चाहिए उससे कम मजदूरी दी गई, तो उससे 10 गुना अधिक तक का जुर्माना लगा करके बकाया रकम वसूला जा सकता है। मान लीजिए किसी का 3,000 रुपया बकाया रकम निकलता है, तो 30,000 तक का जुर्माना लगा करके अधिकतम 33,000 रुपये उससे वसूली की जा सकती है। अगर कर्मचारी ही झूठा मुकदमा झूठा दावा करता है, गलत दावा करता है, नियोजक को परेशान करता है, तो उस पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान है 50 रुपये तक का। इन सब बातों के बारे में आपने हमारे एक्ट वाले वीडियोज में जरूर देखा होगा। अब दावा की जो सुनवाई होती है उसके लिए दावा प्राधिकार दोनों अनुसूची में अलग अलग है। दावा प्राधिकार और अपीलीय प्राधिकार के संबंध में अनुसूची एक में कृषि को छोड़ करके जो बाकी नियोजन है उन इंप्लॉयमेंट्स में अनुसूची एक में दावा प्राधिकार जो है वह सहायक श्रमायुक्त है, यानी सहायक श्रमायुक्त के कोर्ट में आवेदन दिया जा सकता है, अनुमंडल पदाधिकारी के कोर्ट में दिया जा सकता है और श्रम न्यायालय के कोर्ट में दिया जा सकता है। यानी ये तीनों दावा प्राधिकार हैं, और अगर इनके न्यायालय के निर्णय से अगर कोई असंतुष्ट होता है श्रमिक या नियोजक, तो वह अपील दायर कर सकता है अपीलीय प्राधिकार के समक्ष। तो अपीलीय प्राधिकार हमारा सहायक श्रमायुक्त के लिए श्रमायुक्त होते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी और के लिए अपर समाहर्ता होते हैं, और श्रम न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय होते हैं, जहां वह अपना अपील दायर कर सकता है शेड्यूल वन में। इसी प्रकार शेड्यूल टू में जो सर्किल अफसर होते हैं, अंचलाधिकारी होते हैं, श्रम अधीक्षक और भूमि सुधार उप समाहर्ता, ये तीनों दावा प्राधिकार हैं, और इनके अपीलीय प्राधिकार अपर समाहर्ता होते हैं अंचलाधिकारी के मामले में, श्रम अधीक्षक के मामले में श्रमायुक्त होते हैं, और उप भूमि सुधार उप समाहर्ता के मामलों में अपर समाहर्ता हुआ करते हैं। यानी अगर दावा प्राधिकार के निर्णय से कोई असंतुष्ट है, जनरली होता क्या है कि जब कोई श्रमिक कोई क्लेम लेकर आता है कि उसका इतने दिन का मजदूरी बाकी है, तो पहले वो इंस्पेक्टर जो होते हैं डिक्लेयर्ड एक्ट में, जैसे हमारे यहाँ श्रम अधीक्षक इंस्पेक्टर हैं, लेबर इंस्पेक्टर जिसको लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर LEO कहते हैं, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी वो भी निरीक्षक हैं, तो वो उस आवेदन के आधार पर उसे नियोजक को नोटिस करते हैं, नियोजक को कहते हैं कि उसका उतना बकाया भुगतान करें। अगर नियोजक नहीं करता है तो उस श्रमिक के पक्ष में वह सहायक श्रमायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी या श्रम न्यायालय में कहीं भी दावा दायर कर सकते हैं, और उस दावे के बाद जो निर्णय आएगा, अगर वह नियोजक के पक्ष में गया तो हो सकता है श्रमिक असंतुष्ट हो और वह अपीलीय प्राधिकार के पास जा सकता है, अगर वह श्रमिक के पक्ष में गया नियोजक असंतुष्ट हो और अपीलीय प्राधिकार के पास जा सकता है। लेकिन उस दावे की रकम को अगर नियोजक जमा नहीं करता है, जो दावा प्राधिकार ने जो उसको दिया है दंड सहित पैसा जमा करने का निर्णय, अगर उसको वह जमा नहीं करता है, तो फिर उस केस में सर्टिफिकेट केस दायर किया जाता है, जिसको कि पब्लिक डिमांड एंड रिकवरी एक्ट के तहत जो है सो वसूली की जाती है। अधिनियम में आपको दंड प्रावधान का भी उल्लेख है कि न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर भुगतान करने या कार्य के घंटों या विश्राम संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकतम 1 वर्ष का कारावास या 3,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करने की स्थिति में 6 माह तक का कारावास या 2,000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है। कुछ ऐसे भी बातें होंगी जिनका उल्लेख दंड जिनका दंड स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, तो वहां अधिकतम 500 रुपये तक का जुर्माना प्रावधानित किया गया है। यानी न्यूनतम मजदूरी आपको देना ही है, अगर आप नहीं देंगे तो इस नियम के तहत इस एक्ट के तहत आपको दंड दिया जा सकता है। अब इसके अगर हम बिहार में क्रियान्वयन की बात करें तो बिहार में दोनों अनुसूची को मिलाकर कुल 88 नियोजन है जिसमें न्यूनतम मजदूरी की दर प्रत्येक 6 माह पर प्रकाशित की जाती है। तो मैं पुनः आपको स्पष्ट कर दूं कि फिक्सेशन जो है अंतिम बार 2016 के दिसंबर में हुआ था, उसके बाद हर 6 महीना पर उसका जो महंगाई भत्ता है वही केवल जुड़ता है, परिवर्तनशील महंगाई भत्ता। अनुसूची एक में नियोजन 87 है, अनुसूची दो में कृषि नियोजन है, कुल 88 नियोजन वर्तमान में है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को नया दर मजदूरी का आता है। इस साल भी 1 अप्रैल का जो दर है वह आ चुका है, जिसके बारे में आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दर जो होता है वह अर्धकुशल के लिए, अकुशल के लिए, कुशल के लिए, अति कुशल के लिए, पर्यवेक्षकी के दैनिक के रूप में और पर्यवेक्षकी तथा लिपिकी कार्यों के लिए मासिक मजदूरी के रूप में दर आता है। इस सारे एक्ट को पूरे एक्ट को देखने के लिए फ्रॉम बॉटम टू टॉप श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त, संयुक्त श्रमायुक्त और श्रमायुक्त हमारे राज्य में कार्यरत हैं, जो इस पूरे एक्ट को विभिन्न विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभिन्न रूपों में देखते हैं, क्रियान्वित करते हैं। अब अगर हम इस नए दर की बात करें तो मैंने पहले के भी वीडियो में, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा LSW का मिनिमम वेज एक्ट का, तो उसमें मैंने बताया था कि जो मिनिमम वेज का जो टोटल दर होता है वह आपको
छह तरीकों से होता है, जिसमें कि 69 नियोजनों के लिए एक तरह का दर है, उसके बाद एक नियोजन कृषि के लिए अलग दर है, 12 नियोजन के लिए फिर एक तरह का दर है, घरेलू कामगार के लिए अलग दर है, फिर 4 नियोजन के लिए एक दर है और विक्रय प्रोत्साहन योजना के लिए एक दर है। तो इस प्रकार से 6 कैटेगरी में उस पूरे दर को हम बांट सकते हैं। अभी अगर हम बात करें इन 69 नियोजनों की, तो इस 69 नियोजन में आप यहां देख सकते हैं 1/12/16 को जो दर फिक्स हुआ था वो लिया गया है, और उसके बाद अप्रैल 17, अक्टूबर 17, अप्रैल 18, अक्टूबर 18 ये चारों दर को जोड़ते चले गए इसमें हम, जो हमारा VDA आया था वह चारों जुड़ता चला गया। तो अप्रैल 1/12/16 को 237 रुपया फिक्स किया गया था, उसके बाद सारा VDA हर 6 महीने पर जुड़ता गया, तो लास्ट जो हमारा 1 अक्टूबर 2018 का दर था वो अकुशल कामगार के लिए उन 69 नियोजनों में 257 रुपया था। इस वर्ष का महंगाई भत्ता जो है वो 11 रुपया जुड़ा है, तो 11 रुपया जुड़ने के बाद इस वर्ष का जो कुल अकुशल कामगार का दर हो गया है वो आपका 268 रुपया प्रतिदिन हो गया है। अर्धकुशल कामगार के लिए यह 279 रुपया है, 340 रुपये यह कुशल के लिए, 415 रुपये प्रतिदिन यह अति कुशल के लिए, और पर्यवेक्षी और लिपिकीय कार्यों के लिए सुपरवाइजर ग्रेड या क्लर्कल ग्रेड के लिए मासिक रूप से यह 7683 रुपये प्रतिमाह का हो गया है। अब आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि यह 69 नियोजन कौन है, इसमें हम किन नियोजनों की बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसको, तो इस 69 नियोजन में मैक्सिमम जो है इंडस्ट्रियल टाइप्स के नियोजन जो है वो समाहित हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव सेक्टर में अगर कोई काम कर रहा है, अल्मोनियम उद्योग में काम कर रहा है, खंडसारी गुड़ वगैरह बनाने का काम कर रहा है, केमिकल फार्मास्यूटिकल उद्योग में काम कर रहा है, साबुन निर्माण उद्योग में काम कर रहा है, सीमेंट वगैरह बनाने के फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, एस्बेस्टस उद्योग में काम कर रहा है, ग्लास सीट वगैरह के निर्माण में, बंदूक कारखाना निर्माण में, इस तरह से पूरे 79 हैंडलूम ढलाई फाउंड्री ये सारा चरम शोधनालय, किसी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में जो आप पढ़ते हैं शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत, कोई पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट में काम करता है वो सारे के सारे इसमें, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो आप देखते होंगे कई बार ATM के पास या कई मकानों में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के लोग काम करते हैं, तो उन पर भी यही 69 नियोजनों वाला दर लागू है। सूचना प्रौद्योगिकी टावर वावर जो मोबाइल टावर वगैरह होता है उनसे जुड़े हुए कामगार जो होते हैं उनके लिए, इस तरह के शैक्षणिक शोध सांस्कृतिक कार्य करने वाले संस्थानों में कार्य करने वाले, होटल भोजन गृह इस सब में, रेस्टोरेंट वगैरह में काम करने वाले कामगारों के लिए भी इसमें जो है आपको बनाया गया है। साथ ही अगर निजी अस्पताल नर्सिंग होम इन सब में भी कोई कार्यरत रहता है तो वहां पर भी यह नियोजन पर ये दर लागू है। ये इसलिए भी आपको जानना चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नियोजन को बिहार सरकार ने कवर्ड कर रखा है अपने मिनिमम वेज के तहत, ताकि अगर इस तरह का वायलेशन आपको पता चलता है तो आप वहां पे एक सही सलाह उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा कृषि नियोजन में वर्तमान में, तो फिर यहां भी वही बात है, 2016 के दिसंबर में जब यह फिक्सेशन किया गया था तो उस समय इसका दर था 227 रुपये, फिर समय समय पर इसमें बढ़ोतरी होती गई, अंतिम बार अक्टूबर 2018 में इसका दर 246 रुपया था, कटनी कार्य को छोड़ अन्य कार्यों के लिए इसमें भी 11 रुपये का VDA दिया गया, और यह दर अब वर्तमान में 257 रुपये प्रतिदिन का 1 अप्रैल 2019 से लागू है। इसके अलावा ट्रैक्टर ड्राइवर पंप ऑपरेटर इन सब के लिए प्रतिमाह यह 9230 रुपया है, और ट्रैक्टर खलासी पंप खलासी चौकीदार हवलदार जो उस खेत की रखवाली करने के लिए यूज करते हैं उसके लिए 7181 रुपये प्रतिमाह है। कटनी के मामले में प्रति 10 बोझा में एक बोझा, जो गांव घर में हम लोग कटनी करते हैं तो 10 बोझे फसल में एक बोझा फसल काटने वाले का 9 बोझा फसल जो है वो नियोजक का होगा। यह कृषि नियोजन में लागू वर्तमान दर 1 अप्रैल 2019 से है। इसके अलावा खंड कार्यों के लिए जो है वह अलग प्रकार से दर का निर्धारण किया गया है। हम जानते हैं कि जो न्यूनतम मजदूरी की दर है वह कालानुपाती दर से होता है, मात्रानुपाती दर से होता है, उसके बाद अधिकाल दर से होता है, उसके बाद मात्रानुपाती कार्यों के लिए प्रत्याभूतित दर से होता है, कि अगर कोई 1000 पीसेज में कोई काम किए जा सकता है, जैसे बीड़ी बनाना 1000 बीड़ी बनाया जा सकता है, 2000 बनाया जा सकता है, तो प्रति 1000 का दर निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हो सकता है कोई व्यक्ति उतना न बना पाए तो उसके लिए मिनिमम इतना प्रतिदिन जरूर होना चाहिए, इस तरह की बातें होती है। तो यहाँ भी खंड कार्य जो है 12 खंड कार्यों को इंगित किया गया, और उन खंड कार्यों के सामान्य दर के लिए यह न्यूनतम मजदूरी की दर है। तो यह 12 खंड कार्य जैसे पत्थर तोड़ना हो गया, बीड़ी बनाना हो गया, ईंट निर्माण हो गया, हेयर कटिंग सैलून हो गया, लादने उतारने का काम हो गया,
उसके बाद वनों वन का संचालन, लकड़ी बनाने का कार्य हो गया, रेशम, कृत्रिम रेशम और ये सब के सारे सिल्क उद्योग से रिलेटेड वर्क हो गए, मिट्टी काटने का कार्य, चाय बागान, लाह निर्माण और पावरलूम इंडस्ट्री तथा केंदु पत्ता तोड़ने का काम, ये 12 काम जो है खंड कार्य में रखा गया है। इन कार्यों में जो सामान्य कार्य होंगे उनके लिए न्यूनतम मजदूरी की दर जो होती है वह कुशल, अकुशल, अर्धकुशल और अतिकुशल के रूप में ही तोड़ा गया है, जैसे कि 69 नियोजनों में किया गया था, जिसमें कि अभी कुशल के लिए 268 रुपये, अकुशल के लिए 269 रुपये, अकुशल के लिए 268 रुपये, अर्धकुशल के लिए 269 रुपये, कुशल के लिए 340 रुपये, 415 रुपये आपका अतिकुशल के लिए और 7683 रुपये प्रतिमा पर्यवेक्षकीय या लिपकीय कार्यों के लिए। ये दर वही दर है जो 69 नियोजनों में है, लेकिन खंड कार्यों में इसके अलावे और भी रेट होते हैं जो आपके लिए उपयोगी नहीं था, इसलिए मैंने इसे डिटेल नहीं किया है, जो अलग अलग रूप से उसमें इंकित किए गए हैं। जैसे कि अगर खदान से कोई पत्थर ढो करके निकालता है तो 1/4 मील के अंदर से अगर वह निकालता है तो उसके लिए प्रतिदिन 582 रुपया का दर निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए मिट्टी की कटाई करता है तो मुलायम मिट्टी के लिए प्रति 90 घन फीट की कटाई के लिए एक दिन का दर जो है वो 268 रुपया है। अगर अति कड़ा मिट्टी है उसके 60 घन फीट की ही खुदाई के लिए उसको 268 रुपये मिलेंगे, लेकिन मुलायम मिट्टी में 90 प्रति घन फीट के खुदाई के लिए उसको 268 रुपये मिलेंगे। उसी प्रकार से महिला कामगारों को यहाँ पे यह भी प्रावधान किया गया है कि 15% कम मिट्टी की भी अगर वो खुदाई करती है तो उसको पुरुष के समान ही मजदूरी मिलेगा, यानी यहाँ पे ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक पॉइंट बनता है। इसी तरह से बीड़ी बनाने के लिए है कि अगर 1000 बीड़ी कोई श्रमिक बनाता है तो उसके लिए प्रति हजार बीड़ी का जो दर है वो 260 रुपया है, किंतु किसी भी दिन अगर श्रमिक को इस दर से 43 रुपये से कम कमाई नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ें है कि अगर पीस रेटेड वर्क से भी काम कर रहा है तो अगर वह उस काम को उतना नहीं कर पाता है तब भी मिनिमम इतना रुपया आपको देना है, ये पीस रेटेड वर्क में कहीं कहीं उसका प्रावधान। इसी प्रकार से ईंटों के लिए, हेयर कटिंग सैलून के लिए है कि बाल बनाने का दर जो है प्रति बाल कटाई अभी 37.29 रुपया न्यूनतम मजदूरी का दर है। उसी तरह से प्रति दाढ़ी बनाने का दर जो है 12.99 रुपया दर निर्धारित किया गया है। बाल कटाई और दाढ़ी बनाई अगर दोनों होता है तो 46.33 रुपया है। तो ये बिहार सरकार का जो लेबर डिपार्टमेंट का वेबसाइट है labor.bis.nic.in, उसके नोटिफिकेशन सेक्शन गजट में जाकर के आप इस डिटेल को देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं घरेलू कामगारों के लिए तो घरेलू कामगारों के लिए भी यहाँ पे बिहार सरकार का जो है सुधर हर बार निकलता है। इसमें जैसे कि बर्तन धोना हो गया, बर्तन धोना या कपड़ा धोना हो गया तो यहाँ 1 घंटा के लिए यह जो दर है वो आज के समय में अगर 1 घंटा कोई महिला कामगार या पुरुष कामगार कोई भी आपके घर में काम करता है 799 रुपया प्रतिमाह उसका दर है 1 घंटे के लिए। अगर वह प्रति 1000 स्क्वायर फीट उसमें पोछा लगाना शामिल हो सकता है, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये सारे काम हो सकता है। अगर वह यही सारा काम और इसके अलावा बच्चों को देखभाल, स्कूल लाना ले जाना, ये सारा मिला करके करता है प्रति महीना तो उसके लिए उसका दर जो है आपको 6389 रुपया 6379 ये आपको उसका प्रति माह का दर होगा, लेकिन वह 8 घंटे के कार्य के लिए होगा। तो इसमें प्रति घंटे कार्य का भी दर दिया गया। अगर कोई 2 घंटा काम करता है तो प्रति घंटे का जो दर है उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, और अगर वह 8 घंटा पूरा काम करता है तो फिर जो 8 घंटे का रेट दिया गया है उसी रेट से उसको भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा विक्रय प्रोत्साहन योजना, जो MR का काम करते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का काम करते हैं, जो घरों में जा करके या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का काम करते हैं, उन सब के व्यू से यह जो है विक्रय प्रोत्साहन योजना को बाद में जोड़ा गया था। तो इसके लिए जो दर है वह अकुशल के लिए अभी 245 रुपया दर है। इसका दर जो है वह 69 नियोजन के दर से कम होता है और इसमें कुशल के लिए दर जो है 314 रुपया प्रतिदिन है। इसमें पर्यवेक्षकीय और लिपकी कार्यों के लिए दर जो है वह 7093 रुपया प्रतिमाह है। यह दर जो होता है आपका हमारा खंड दर का जो सामान्य कार्य है या 69 नियोजन का जो दर है उससे कम हुआ करता है। उसके बाद 4 अनुसूचित नियोजनों के लिए जो दर है वह भी सामान्य 69 नियोजनों के दर से कुछ कम होता है। इसमें है आपको पापड़ उद्योग आता है, इसमें नाविक के नियोजन आते हैं, अगरबत्ती उद्योग आता है और सफाई कर्मचारी के नियोजन आते हैं, जिसमें कि शुष्क शौचालय जो मैला ढोने की प्रथा के लिए प्रतिषेध अधिनियम बना है उसके तहत जो कार्य होते हैं उसको छोड़ करके सफाई कर्मचारी वगैरह इसमें आते हैं। इसके लिए अभी अकुशल का दर जो है 257 रुपया प्रतिदिन है और अर्धकुशल के लिए यह 268 रुपया प्रतिदिन है, कुशल के लिए यह 328 रुपया प्रतिदिन है और अतिकुशल के लिए 399 रुपया प्रतिदिन है, तथा पर्यवेक्षी और लिपकी कार्यों के लिए
7385 रुपये प्रति माह के दर से है। अगर हम इन सभी दरों को एक जगह समाहित करें तो हम देखेंगे कि जो कुल 69 नियोजन है उनके लिए न्यूनतम मजदूरी और कुशल के लिए कम से कम अभी 268 रुपये है, और फिर कृषि कार्य के लिए कम से कम 257 रुपये आपको है जो इससे कम है, खंड कार्यों के लिए फिर वही 268 रुपये कम से कम अकुशल मजदूर का होता है, घरेलू कामगार के लिए एक घंटा के लिए 799 रुपया प्रति माह है, सफाई नियोजन के लिए यह 257 रुपया प्रतिदिन है जो कि इन दोनों नियोजनों से कम होता है, और इन विक्रय प्रोत्साहन योजना के लिए यह 245 रुपया प्रतिदिन है। तो आप देखेंगे इन सब में से सबसे कम जो न्यूनतम मजदूरी की दर है वह विक्रय प्रोत्साहन योजना के लिए है, और कुशल कामगार या अन्य कामगारों के मामले में भी। तो आप इस ग्राफिकल मेथड से भी इस चीज को अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। अब हमने शुरुआत में ही चर्चा किया था कि इस बार की जो अधिसूचना निकली है, गजट निकला है, वह काफी यूनिक है और संभवतः यह पहला प्रयोग है। बिहार सरकार ने तो पहली बार इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर किसी कोटि का कामगार जैसे अकुशल या अर्धकुशल कामगार है तो वह अपनी कोटि में 5 या 5 से अधिक वर्ष तक का कार्य अनुभव रखता है तो वह उससे तत्काल ऊपर की कोटि में उन्नत माना जाएगा तथा कामगार को उन्नत कोटि का न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कामगार किसी प्रतिष्ठान में कहीं पे भी 5 साल तक अकुशल के रूप में काम किया तो 5 साल तक अगर वह अकुशल के रूप में काम कर चुका है तो अब उसको अर्धकुशल का वेतन दिया जाएगा। पहले इस तरह की स्पष्टता नहीं होने के कारण उसको अकुशल का ही लगातार दिया जाता था, कई सरकारी कार्यालयों में अन्य जगहों पर भी ऐसी बातें हुआ करती होंगी, तो इसलिए इसको स्पष्ट किया गया इस बार के अधिसूचना में कि अगर 5 साल तक किसी एक कोटि में काम करता है तो उसको अगले कोटि में उन्नत माना जाएगा, वही उसका वर्क एक्सपीरियंस ही उसका सर्टिफिकेशन हो गया। इसके लिए नियोजक जो है उसका वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेशन करेंगे। दूसरी बात इसमें यह कही गई कि ठीक है 5 वर्षों में अकुशल से अर्धकुशल हो जाएगा, अर्धकुशल भी 5 वर्षों में कुशल हो जाएगा, लेकिन कुशल के ऊपर जाने के लिए फिर आपको कोई ना कोई डिग्री या सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिना डिग्री या सर्टिफिकेट के आप कुशल के ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो यानी अगर उस अवधि में अगर वह कोई डिग्री हासिल करता है, सर्टिफिकेट हासिल करता है, तो फिर वह वर्क एक्सपीरियंस प्लस सर्टिफिकेट को मिलाकर के कुशल से अति कुशल में पहुंच सकता है, अन्यथा वह कुशल कामगार तक केवल वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर जा सकता है। यानी 5 साल में अर्धकुशल, फिर 5 साल में कुशल, यानी 10 सालों में वह कुशल कामगार तक पहुंच सकता है। इसमें जो दूसरी बातें जोड़ी गई वह जोड़ी गई है NSQF से। NSQF जो होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, एक्चुअली यह मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट्स का जो है एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसके तहत कामगारों को उनके योग्यता और उनकी क्षमता के आधार पर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर उनका ग्रेडिंग किया जाता है, और यह ग्रेडिंग उनके लिए कई सारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, ट्रेनिंग पार्टनर हैं जो ट्रेंड करते हैं कामगारों को, और उसके बाद उसका एग्जाम लेते हैं, और एग्जाम लेने के बाद उनको वह सर्टिफाई करते हैं कि यह किस लेवल का कामगार है। लेवल 1 से लेकर 10 तक किया गया है। लेवल 1 सबसे इजी है जिसमें कामगार को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको केवल इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, और लेवल 10 सबसे टफ है जहां वो हायर लेवल पे मैनेजर या मैनेजमेंट में किसी ऊंचे पद पर होता है। लेवल 1 का कामगार जो होता है वह सिंपल वर्कर होता है। लेवल 2-3 में कामगार वर्कर से थोड़ा बढ़कर के होगा। 4-5 में वह सुपरवाइजर के ग्रेड में होता है। 6-7 में वह उससे भी मैनेजर वगैरह के ग्रेड में होगा, या 6-7, 7-8 में, और 9-10 लेवल पर जाकर के वह काफी ऊंचे पद पर उस प्रतिष्ठान में हो सकता है। उस तरह का लेवलिंग किया गया है। अब ये सर्टिफिकेशन देने का जो है NSQF का, उसके लिए ट्रेनिंग पार्टनर्स जो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद उसका एग्जाम लेंगे, और एग्जाम लेने के बाद उसको फाइनलाइज करेंगे कि यह किस प्रकार का लेवल पे अभी है। इसके लिए RPL एक योजना भी चालू है जिसको रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग कहते हैं, कि जो कामगार पहले से काम कर रहा था, जैसे आपके गांव में बहुत सारे मजदूर होंगे जो राजमिस्त्री का काम कर रहे थे, बढ़ई का, लोहार का, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, तो ऐसे कामगारों को सरकार पहचानेगी और RPL योजना के तहत उनको ट्रेंड करेगी, और ट्रेंड करने के बाद उनका जो लेवल होगा उस लेवल का उनका सर्टिफिकेशन होगा। यह सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर माना जाएगा, और ताकि इस आधार पर उनको विदेशों में भी या राज्य देश के विभिन्न राज्यों में भी काम करने में, काम लेने में आसानी होगी, साथ ही उनका जो है वेतन पे ये सब भी अच्छा होगा। तो बिहार सरकार ने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का लेवल के हिसाब से भी कुशल और अकुशल को बांट दिया है, और इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई लेवल 1 का सर्टिफिकेट रखता है तो उसको अकुशल माना जाएगा, कोई लेवल 2 और 3 का सर्टिफिकेट रखता है तो उसको अर्धकुशल माना जाएगा, कोई लेवल 4 और 5 का सर्टिफिकेट रखता है तो उसको
कुशल माना जाएगा, कोई लेवल 6 और 7 का सर्टिफिकेट रखता है तो उसको अति कुशल माना जाएगा, और उसके बाद 8, 9, 10 वाला जो है वो सुपरवाइजर ग्रेड, लिपकी ग्रेड या हायर ग्रेड्स के वर्कर माने जाएंगे इस मिनिमम वेज एक्ट के तहत। यानी इसमें मिनिमम वेज एक्ट के जो पुराना प्रावधान है उसमें जो नया तरीका हमारा है क्लासिफिकेशन का, क्वालिफिकेशन का या उसके स्किल ग्रेडिंग के क्लास का, उसको मर्ज करके एक नया तरीका बनाने का प्रयास किया गया है, या इस ऐसा कह सकते हैं कि इस न्यूनतम मजदूरी को एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। पुनः इस NSQF लेवल में स्पष्ट किया गया कि अगर कोई एक लेवल में 5 साल तक काम करता है तो फिर वह उससे अगले लेवल में उन्नत माना जाएगा। यानी अगर कोई लेवल 2 पर काम कर रहा है अर्धकुशल के रूप में 2 या 3 पर, तो उसको फिर 5 साल के बाद कार्य अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद कुशल कामगार यानी लेवल 4, 5 में माना जाएगा। इस तरह से यहां भी वही बातें हुई जो हमने पहले चर्चा किया था कि कोई अकुशल कामगार अगर 5 साल तक अकुशल के रूप में कार्य करता है तो उसको अब कुशल माना जाएगा। साथ ही यहां स्पष्ट किया गया है कि केंद्र या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा अथवा नियमावली के द्वारा कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है, जैसे मैंने बताया कि कई सारे कामगार जो पहले से काम जानते थे उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है RPL स्कीम्स के तहत, या जो फ्रेश कामगार हैं, नए कामगार हैं, उनको भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, तो प्रशिक्षित करने के बाद वो जिस प्रकार का सर्टिफिकेट होल्ड करेगा उस हिसाब से उस कोटे के न्यूनतम मजदूरी का वो हकदार होगा। इसके अलावा पहली बार नोटिफिकेशन में बिहार सरकार ने इस बार स्पष्ट किया कि किस कामगार को अकुशल मानेंगे, किसको अर्धकुशल, किसको कुशल, किसको अति कुशल। एक्चुअली यह पहले से क्लासिफिकेशन में क्लियर नहीं होता था, नियोजन क्लियर होता था कि फलाना नियोजन, फलाना नियोजन, फलाना नियोजन, लेकिन उस नियोजन में कौन अकुशल होगा और कौन अर्धकुशल यह बहुत स्पष्ट नहीं होता था। इस बार भी सरकार ने इसको स्पष्ट किया है, हालांकि उन्होंने इसको एग्जाम्पल स्वरूप लिया है या उदाहरण स्वरूप है या घट बढ़ सकता है, लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल में उन्होंने लिया है जैसे कि गिट्टी या छर्री फैलाने वाला, या बेलदार जो कि ढोता है बोरे को, या बाल्टी वाला बाहक पत्थर वगैरह को ले जाने वाला, केयरटेकर पूल वगैरह का जो केयरटेकर होगा, चौकीदार जो होता है सिंपल सा जिसके पास कोई हथियार नहीं होता है, गाड़ीवान होता है, गार्डनर होता है सिंपल मजदूर, ये सारे जो हैं पेट्रोल जो भरता है पेट्रोलमैन, कहीं पे तलाशी वगैरह लेता है जो जैसे आप मॉल में जाते हैं तो कई सारे वर्कर होते हैं जो आपकी तलाशी लेते हैं जाने के पहले, तो तलाशी करता, स्वीपर, वॉचमैन, घास काटने वाला, इस तरह का कोई भी ऐसा प्रवर्ग जो कि जिसको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कुशलता या अनुभव की आवश्यकता नहीं हो, चाहे उसको किसी भी नाम से आप पुकारें, वो सब के सब को इसमें अकुशल कामगार के रूप में ट्रीट किया गया है। तो जो अकुशल कामगार हो गया उसको पूरा का पूरा काम वो इंस्ट्रक्शन पर ही करता है, पूरा का पूरा उसको बताना पड़ता है कि उसको क्या करना है, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं करता। इसके बाद अर्धकुशल और कुशल को भी डिफाइंड किया गया है। अर्धकुशल में बहुत सारे हैं जैसे कि भिस्ती हो गया, नाव वाला हो गया, चारपाई कसने वाला हो गया। अब चूंकि चारपाई कसना थोड़ा सा इसमें स्किल चाहिए, नहीं तो फिर वो चारपाई अच्छे से नहीं कस पाएगा। फिटर हो गया, खलासी हो गया, इन सब में थोड़ा बहुत स्किलिंग की जरूरत होती है, तो ये सब जो है अर्धकुशल प्रकृति के काम हो गए। इसके लिए थोड़ा बहुत कार्य अनुभव चाहिए, थोड़ी बहुत कुशलता चाहिए ताकि वह काम को अच्छे से कर सके, लेकिन इन सबको करने के लिए वह किसी न किसी पर्यवेक्षण में या मार्गदर्शन में रहता है, इसीलिए उसको कहीं ना कहीं सुपरवाइज करना पड़ता है उनके कामों को, लेकिन थोड़ा बहुत वो अपना स्किल भी डेवलप कर लेते हैं तो थोड़ा बता देने पर वो काम को अच्छे से कर लेंगे, इसीलिए वो अर्धकुशल की श्रेणी में आएंगे। कुशल कामगार जो होगा वह इनसे काफ़ी उन्नत श्रेणी का होगा, जहाँ पे वह मान लीजिए कि इलेक्ट्रिशियन है या बुलडोजर चलाता है, रोड रोलर चलाता है, कोई चालक है, राजमिस्त्री है, स्टोन टाइल्स फिटिंग का काम करता है, पंप चालक है, तो इस तरह का जो कामगार है, दर्जी है, ठठेरा है, ये सारे कामगार, हलवाई हो गए, कारीगर हो गए, ये सब के सब जो है सो कुशल कामगार में, रसोईया वगैरह सब के सब कुशल कामगार में रखे गए हैं ताकि ये अपने काम को कुशलता से करते हैं, इनको अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। अब आपके यहाँ कोई खाना बनाएगा तो निश्चित रूप से अगर वो अच्छा खाना नहीं बनाता है तो आप उसे घर से बाहर कर देंगे, इसलिए उसे योग्यता कुशलता होनी चाहिए। और उसके बाद उनका कार्य अनुभव के आधार पर, वो वेटर वगैरह का काम करते हैं, तो इसीलिए जिसमें कार्य अनुभव के आधार पर किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण के आधार पर अर्जित कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है, यानी कुछ डिग्री भी हो सकता है उसमें, और वो डिग्री हो सकता है कि हायर लेवल का ना हो, डिप्लोमा का कोर्स हो, कोई इस तरह का कोर्स हो, लेकिन थोड़ी बहुत डिग्री हो और उसके बाद वर्किंग जो स्किल है वो भी उसका अच्छा होना चाहिए, तब वह कुशल के श्रेणी में आएगा। यानी अर्धकुशल तक आने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, और कुशल आदमी ही कुछ दिनों में अर्धकुशल हो जाता है।
अब अंतिम जो हमारा है वो अति कुशल है। अति कुशल निश्चित रूप से डिग्री और कुशलता के बाद उसको वर्क अनुभव भी अच्छा खासा लंबा होना चाहिए, वह पूरी जवाबदेही से सारे कार्यों को कर सके, उसके बाद वह अति कुशल में आएगा। तो निश्चित रूप से कई काम ऐसे हैं जो अकुशल से कुशल, अर्धकुशल सब में आपको दिखेंगे। तो होता क्या है कि कई सारे कार्य प्रारंभिक स्तर पर वह अनस्किल्ड आदमी भी थोड़ा बहुत उसमें हेल्प करता है, धीरे धीरे जब वह उसमें ट्रेंड होते जाता है तो उसका जो है सो फिर अपग्रेडेशन होता रहता है। तो इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है, तो अति कुशल के केस में जो है व्यवहारिक कार्य अनुभव हो, उसके पास प्रशिक्षण किया हो, व्यावसायिक प्रशिक्षण हो, उसके पास उसके पास जो है सो डिग्री हो अच्छे क्वालिटी का, ये सारी बातें हो और पूरी जवाबदेही के साथ वो पूरे काम को करता हो, तो वो अति कुशल के श्रेणी में आएगा। लिपिकी कार्य के लिए हम जानते हैं जो भी क्लर्कियल वर्क होता है या सुपरवाइजर कैटेगरी का वर्क होता है, जो दूसरे को सुपरवाइज करता है, देखता है, उस केसेस में जो कामगार होंगे वह लिपिकी या पर्यवेक्षक कामगार के रूप में माने जाएंगे। तो इस प्रकार से यह सारा जो पॉइंट है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ये सब के सब इस बार पहली बार बिहार सरकार के न्यूनतम मजदूरी के गजट में आए हैं। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर हो लीजिए ताकि आप जरूरत के हिसाब से इनको अपने क्वेश्चंस में या अपने आंसर में इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो इतना ही, आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो नीडी लोग हैं जिन्हें इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए उन तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।